हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दो तीन दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी, बारिश होने के कारण कुछ पानी यहाँ पे आ चुका है। तो पानी के लिए पहले तो यहाँ पे सुविधा कर रखा है कि काफ़ी जीसीपी ने खनाई करके दूसरी तरफ ऊँचा कर दिया ताकि पानी उधर जाए नहीं। पिछली बार यहाँ पे देख सकते हो, पिछली बार बारिश आने के कारण से बाढ़ आ गई थी बिल्कुल तगड़ी, जो कि पूरा बगरा स्टेडियम उड़ा दिया था। ये 2014 की बात थी, उस टाइम के बाद यहाँ पे नदी नहीं आया था। यहाँ पे जो कि चक्का डैम थे, कुछ चक्का डैम ऐसे ही हैं, ये देख सकते हैं, और उनमें जो कि बजरी लगा दिया गया है। ज़्यादातर यहाँ पे खनन कार्य बहुत होता है इस वाले एरिया में, और वो खनन कार्य घर बनाने यानी कि घर निर्माण करने के लिए होता है। यहाँ पे कुछ टीटीटों के बच्चे भी हैं उस साइड की ओर, तो मैं आपको दिखाऊंगा उनको भी। ये देख सकते हो पानी, दो तीन दिन से बारिश से अभी इतना ही पानी, अगर दो तीन दिन और लगातार पड़ता तो पूरा यहाँ पे बाढ़ आ जाती। यहाँ पे मैं आपको टीटीटों दिखाऊंगा, काफ़ी टीटीटों हैं, कुछ तो उड़ भी रहे हैं, वो देख सकते हैं। तो मैं आपको टीटीटों के पास ले जा रहा, लेकिन वो उड़ रहे हैं, काफ़ी टीटीटों हैं यहाँ पे। और मेरे गाय भी उस साइड की ओर चराने छोड़ रखे हैं। और अभी गर्मी के टाइम पे एक मक्खी हो जाती है पैदा, जो कि गाय बच्चों को बहुत खाती है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे छाते में बार बार आ रहा है। इधर का व्यू देख सकते हो, इधर भी पहाड़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये जो कि बगरा स्टेडियम है, यहाँ पे बच्चे शाम को खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पे बाउंड्री बना रखी है, ये देखिए बाउंड्री बना रखी है। और नीचे आपको पानी दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा पानी आता है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन अभी दो दिन की बारिश में काफ़ी तगड़ी बारिश पड़ी थी, तो दो दिन में ही इतना पानी आ गया। तो अगर दो तीन दिन और पड़ता तो सोचो बाढ़ आ जाती। ये पूरा का पूरा इधर की वो साइड पूरा बाढ़ आया था 2014 में, और नीचे एक घर भी था तो वो तो पूरा ही टूट फूट गया था, इसका नामो निशानी नहीं मिला। ये देख सकते हो बहुत सारे टीटी तो हैं यहाँ पे, और पानी भी काफ़ी कुछ आ रखा है। और पानी आता तो मुझे बचपन के दिन याद आ गए कि बचपन में हम क्या करते थे। जब पानी आता था तो हम घर पे नहाते नहीं थे, हम क्या करते थे, डायरेक्ट कपड़े साबुन लेके सीधे बसकाल में ऐसे ही करते थे, बारिश के मौसम में सीधे ऐसे ढंडी में चले जाते थे। ये देख सकते हो ढंडी बना है, तो ढंडी में हम नहाते थे। गाय ऊपर की ओर छोड़ देना है ऐसे, और नीचे हम नहाना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ पे बजरी काफ़ी आ गई है, ये देख सकते हो, और ढंडी भी काफ़ी बढ़िया बना रखा है यहाँ पे नहाने के लिए, काफ़ी गहरा है देख सकते हो, और पानी भी बढ़िया है, अंदर बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये देख सकते हो। दो दिन के बारिश में ऐसा हो गया कि सारा पानी पानी हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर पानी आता है क्योंकि ये बिल्कुल मेन एरिया है, ये नदी जो कि ये जो भी पानी जाता है ये सटेरी नदी में मिलता है सीधे यमकेश्वर, और यमकेश्वर से जो कि जाता है सीधे मापगढ़ की साइड यानी कि लाल ढंग वगैरह पे जाता है, और सीधे कोटदार की साइड निकल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।